हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स टू केएस एजुकेशनल। आज हम लोग एक पज़ल के साथ हैं और ये ट्रायंगुलर शेप पज़ल है। आपने देखा कि अभी रिसेंट एग्ज़ाम में कुछ डिफरेंट पज़ल आता है आपके हर एक एग्ज़ाम में, देख लो। और अभी आपके सामने SBI है, अभी आपके सामने IBPS है, अभी आपके सामने RRB, और इन्हीं सभी को देखते हुए आज मैं आप लोगों के साथ एक ट्रायंगुलर पज़ल पे बात करूंगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आप लोगों को, और ये क्वेश्चन को पहले खुद से कोशिश कीजिएगा बनाने का, और फिर इसके सोल्यूशन पे चलते हैं कि क्या अप्रोच आप लें इसे एग्ज़ाम में जल्दी टैकल करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। देखिए क्या दिया गया है कि 6% की बात है, और 6% में आपके पास दिया है ABCDEF आर सिटिंग अराउंड द ट्रायंगुलर टेबल, राइट। थ्री ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर, तीन कॉर्नर पे हैं और तीन आपके नॉर्मल मिडिल पे होंगे। सम फेसेस आउटसाइड एंड सम फेसेस इनसाइड, ये भी दिया गया है। एंड दे प्ले डिफरेंट स्पोर्ट्स ये प्ले कर रहे हैं। तो मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि मेरे पास ट्रायंगुलर शेप है। इसका क्या मतलब, मैंने बना लिया ट्रायंगल, ये हमारा ट्रायंगल बन गया। एक और पॉसिबिलिटी लेकर मैं चलता हूँ कि कुछ लगे कि मुझे दो पॉसिबिलिटी की ज़रूरत होगी, तो मैंने ले लिया। आपको क्या बताया गया था कि तीन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कॉर्नर पे होंगे और तीन ऐसे व्यक्ति हैं जो मिडिल पे होंगे। मैंने सब कुछ ड्रॉ कर लिया। अब प्रोसीड करना है हम लोगों को पज़ल की तरफ, कैसे, राइट। अब देखिए क्या है कि ऑल द इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अब मेन इन्फॉर्मेशन आपका यहाँ से स्टार्ट है, डी सिट एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। मैंने बिना देखे सोचे समझे प्रोसीड करने का कोशिश कभी नहीं करना है, मैंने कुछ देख लेना है फिर कोशिश करना है कि हाँ इसको कैसे बनाना है। डी सिट एट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द बी हु प्ले फुटबॉल, बी जो कि फुटबॉल खेलता है डी के इमीडिएट लेफ्ट में होगा, ठीक है, सॉरी बी के इमीडिएट लेफ्ट में डी होगा। तो मैंने क्या सोचा कि बी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दिया है जो कि डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है कि बी फेसेस द सेंटर। मैं क्लियर हूँ कि बी सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, या तो बी कॉर्नर पे होगा या तो बी कहाँ मिडिल पे होगा। तो मैंने एक ऐसा रखा पॉसिबिलिटी जब बी को कॉर्नर पे दे दिया, एक ऐसा पॉसिबिलिटी रखा जब बी को मिडिल सेक्शन में दिया है। अब था कि डी सिट्स एट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, और बी जब भी सेंटर की तरफ फेस करेगा तो इसका इमीडिएट लेफ्ट तो मुझे पता चल जाएगा, और इसका इमीडिएट लेफ्ट आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर होगा। तो डी यहाँ पर मैंने रखा, और इस केस में डी यहाँ पर मैंने रख दिया। ये भी दिया हुआ था कि बी क्या खेल रहा है, बी हमारा फुटबॉल खेल रहा है, तो मैंने फुटबॉल बी को दे दिया, और इस केस में भी फुटबॉल आपको बी को दे देना है। बहुत आसान है पज़ल बनाना अगर उसको बहुत सही अप्रोच से आप यूज़ करें तो। यहाँ तक आपको पढ़ने की अब ज़रूरत ही नहीं है, पढ़ने का ज़रूरत है अब ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। मैंने क्या देखा कि डी के सेकंड लेफ्ट में ए होगा, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ, इसी केस में भी या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ। आगे थोड़ा देखते हैं, चीज़ क्लियर हो गया ए के बारे में, ए is not an immediate neighbor of B। अच्छा, मुझे दिया था कि A जो है वो immediate neighbor B का नहीं होगा, तो B का अगर immediate neighbor नहीं है तो यहाँ अगर A नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है A यहाँ होगा। B का immediate neighbor A यहाँ नहीं है तो ऑब्वियसली बात कहाँ है, यहाँ पर होगा, क्योंकि D और A के बारे में रिलेशन था। रिलेशन क्या था, A sits second to the left of D, D के second left position में A हो रहा है। तो जब इस पोजीशन में ए हो रहा है और ये लेफ्ट पोजीशन हो रहा है, ये जब आपका लेफ्ट हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे कि ये सेंटर की तरफ फेस है। यही चीज यहां पर जब ये लेफ्ट हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे कि ये सेंटर की तरफ फेस है, तभी तो लेफ्ट हुआ। यहां तक हमें अब आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। अब दिया है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड द वन हु प्ले टेबल टेनिस, ए और टेबल टेनिस के बीच में बस एक ही व्यक्ति बैठे हैं। तो मैं क्या बता सकता हूँ, या तो यहाँ या तो यहाँ, इसी तरह से यहाँ भी होगा। लेकिन दिया है आगे डी प्लेस चेस, एक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है कि डी चेस ही खेल रहा है,
और डी जब चेस है तो मैं क्यों ये वाला पॉसिबिलिटी को लेकर चलने का कोशिश करूँगा कि ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड द वन हु प्ले टेबल टेनिस। अब टेबल टेनिस के लिए कंफर्म हो गया कि टेबल टेनिस यहाँ तो बिल्कुल नहीं होगा, तो मुझे टीटी के लिए कंफर्म है यहाँ होगा। और टीटी के लिए क्या है कंफर्म कि यहाँ नहीं होगा बल्कि यहाँ होगा। क्लियर है? अब आगे है सी सिट्स एट इमीडिएट राइट वन हु प्ले रग्बी। तो मैं एक ले चलता हूँ कि लिख लेता हूँ इसको, क्योंकि अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन था नहीं। तो सी इमीडिएट राइट होगा, राइट? और इमीडिएट राइट होगा तो मैंने हिंट ले लिया, इमीडिएट राइट में सी है, लिख लिया। ए प्ले क्रिकेट एंड फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एफ। ठीक है, ए प्ले क्रिकेट, तो ए के लिए तो हमें दिया गया है, तो क्यों नहीं मैं रख दूं इसको क्रिकेट, और यहाँ पर भी रख दूं मैं क्रिकेट। क्या दिया हुआ था? ए प्ले क्रिकेट एंड फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एफ, मतलब एफ और ए ये दोनों हमेशा अपोजिट डायरेक्शन करेगा फेस। क्लियर है? नाउ एफ सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। मुझे एफ और ए के बारे में दिया हुआ था रिलेशन, अब दे दिया एफ और ई के बारे में। क्या दिया हुआ है? एफ सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। सेकेंड राइट किसका? ई का, लिख लिया मैंने। द वन हु प्ले टेनिस सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। टेनिस जो है वो क्या होगा? कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर पे कहाँ हो सकता है? या तो यहाँ या तो यहाँ। और इसी तरीके से यहाँ ऑक्यूपाइड है, यहाँ ऑक्यूपाइड है, यहाँ ऑक्यूपाइड है। टेनिस मुझे करना था किसी भी कॉर्नर पे। क्या इस केस में कभी भी कॉर्नर पे हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो मैंने गलत कर दिया। अब टेनिस मुझे कन्फर्म है या तो यहाँ ही रखना है। लेकिन उससे पहले मैं देखता हूँ कि जो एक इन्फॉर्मेशन ये है रग्बी इमीडिएट राइट ऑफ सी होगा, ये कब हो सकता है? ठीक है, ये कब हो सकता है? और फिर मुझे एफ ई भी रिलेशन लेके चलना है, एफ ए भी रिलेशन लेके चलना है। अब मैं एक रिलेशन कंपेयर करता हूँ, और मुझे कंपेयर क्या करना है? क्योंकि देखिए साफ साफ इन्फॉर्मेशन है रग्बी इमीडिएट राइट ऑफ सी होगा। सी मैं यहाँ रखूँ तो कभी भी ये गेम प्लेस हो नहीं पाएगा, तो सी मुझे या तो यहाँ रखना होगा। आप यहाँ रखें तो फिर गेम प्लेस नहीं हो पाएगा, मतलब सी कंफर्म है। कहाँ रखना होगा? यहाँ। और इसके इमीडिएट राइट पोर्शन पे ये रखना होगा, तो आर यू जी बी वाई मैंने रख दिया यहाँ, और ये इमीडिएट राइट हो रहा है, मतलब आपका क्या होगा? सेंटर की तरफ फेस है। क्लियर है? अब क्या बचा आपके पास? इन्फॉर्मेशन ये और ये। अब एक चीज़ तो क्लियर है कि ई और एफ होगा तो यहाँ पर ही होने वाला है। ठीक है, एफ और ए में दिया गया था अपोजिट डायरेक्शन है, ये भी ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन और हम लोगों ने देखा कि जो टेनिस है ये कहाँ था? कॉर्नर पे था। हमारे पास अभी एक कॉर्नर है बचा हुआ, तो मैंने क्या दिया? टेनिस यहाँ पे प्लेस्ड कर दिया। क्लियर है? ई और एफ हमें ही डिसाइड करना है, बाकी सब कुछ तो हो गया है डिसाइड। क्लियर है यहाँ तक? अब मैंने एक चीज़ छोड़ कर रखा था कि ये डायरेक्शन मुझे नोटिफाई करना है, दैट रग्बी के इमीडिएट राइट में सी है। कब ये हो सकता है? जब ये बाहर की तरफ फेस कर रहा होगा, तभी तो ये इमीडिएट राइट होगा, अदरवाइज ये लेफ्ट हो जाएगा। मुझे अब क्या देखना था? देखना है एक ही चीज़ की एफ ए ई एफ। अब देखना है कि ई के सेकंड राइट में एफ है, कभी भी ई यहाँ होगा एफ यहाँ पॉसिबल नहीं है, मतलब मुझे ई यहाँ रखना होगा तभी एफ पॉसिबल है सेकंड राइट में एफ। इजंट इट, ये तभी हो सकता है पॉसिबल। ये कब होगा? जब ये बाहर की तरफ फेस कर रहा होगा। अब हमारा ये ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हो जाएगा और एफ मेरा यहाँ हो जाएगा। ये भी दिया गया था एफ और ए अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब एफ अगर बाहर की तरफ है तो ए क्या होगा? अंदर की तरफ फेस कर रहा है। अब हमारा कुछ भी ऐसा बाकी नहीं रहा जो कि नहीं हो रहा है, सब कुछ क्लियर है, और हमारा यही पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही होगा। क्लियर है ये चीज़? मुझे उम्मीद है माय डियर फ्रेंड्स कि ये बहुत क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। प्लीज़ लाइक कीजिएगा सेशन, ताकि मुझे अप्रिशिएट आप लोग कर पाओ,
और मैं आप लोगों के लिए कुछ और अच्छा ला पाऊँ। शेयर कीजिएगा वीडियो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और जो मेहनत आप लोगों का है वो बिल्कुल आप आगे भी ऐसा करते रहेंगे। तो चलिए हम सब एक और अच्छे सेशन के साथ मिलते हैं।